अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के दिन का आगाज़ फिर से खाने से हो रहा है जी। गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर और मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये सारी डिशेज तैयार की हैं और इसकी रेसिपीज आप लोगों से शेयर करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी। सबसे आसान तो होता है जब कोई घर में मेहमान आ रहा हो तो हम बिरयानी चढ़ा देते हैं, क्योंकि गोश्त तो हमारे फ्रिज में पड़ा ही होता है। ये मैं गोश्त को अलग करने की कोशिश करी थी लेकिन वो हो नहीं रहा था, तो पानी डाल के मैंने उसे अच्छे से जो है वो अलग कर लिया एक दूसरे से। उसके अंदर प्याज डाल दिए, ये मैंने राइस को सोख कर दिया था, प्याज और हरी मिर्च। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, मैं हमेशा लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखती हूँ कि एंड टाइम पर मुझे बनाना ना पड़े, क्योंकि मुझे वो बहुत ही मुश्किल लगता है। उसके अंदर बने जी, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया है और ऑयल भी डाल दिया है और हल्का सा नमक डाल दिया है इसके अंदर, और साथ साथ इसको फ्राई करते जाएंगे। ये देखें, ये साथ साथ गोश्त भी गलता जा रहा है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको फ्राई होने के बाद ये हमारे पास जो टमाटर मिर्च है जो मैं आपको दिखा रही थी, इसको मैंने चॉप करके डाला है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे। चॉप की हुई चीज़ें वो तो बहुत अच्छे से और बहुत मिनट के अंदर वो जो है ना वो अंदर मिक्स हो जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। उसके बाद जी मैं इसके अंदर स्पाइसेज ऐड कर दूँगी और स्पाइसेज ऐड करने के बाद हमारे पास जो होता है बिरयानी मसाला वो ऐड कर दूँगी। बिरयानी मसाला मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती, स्पाइसेज अपने अकॉर्डिंग डालती हूँ। बिरयानी मसाला बस उसके फ्लेवर के डालती हूँ, जायफल, जावित्री और गरम मसालों का टेस्ट आ जाए, क्योंकि हम अलग से नहीं डाल रहे होते, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और अजीब सी बिरयानी बन जाती है। और जी ये हमारा बिरयानी का मसाला हो गया है रेडी। दूसरी साइड पे हमने पानी गर्म कर लेना है। पानी गर्म करके उसके अंदर 3 से 4 चम्मच आपने नमक के डाल देने हैं अकॉर्डिंग टू योर राइस, ठीक है। उसके बाद हमने जी ये कड़ी पत्ता, 4 लौंग, 4 काली मिर्चें, थोड़ी सी दालचीनी और जीरा हम लोगों ने शामिल कर देना है जी पानी के अंदर। पानी बस हल्का सा बॉयल आने लगे तो आप इसके अंदर राइस को ऐड कर दें। बिल्कुल बॉयल जो है फुल आपको नहीं चाहिए होता, बस बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर आप राइस ऐड कर सकें। और जी राइस को आपने कुक करना है और राइस कभी भी डरे नहीं, राइस इतने से आपके कुक हो जाएँ कि हल्की सी कनी बाकी हो तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा सिरका इसी पानी के अंदर शामिल कर देना है और उसके बाद उसे ये छन्नी में निकाल लें आप लोग। छन्नी में निकालने के बाद ये है कि ये चावल कभी भी आपके जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से। बिरयानी बनाते हुए बिल्कुल ना डरें क्योंकि बिरयानी बनाना तो सबसे ज़्यादा आसान काम है। उसके बाद जी लेयरिंग के लिए हम लोग ले लिया है पैन में, हमने ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, नीचे नीचे मैं थोड़ा ऑयल डालती होती हूँ ताकि बिरयानी जो है वो नीचे ना लगे। उसके बाद मसाला वगैरह डाल के उसके ऊपर मैंने राइस डाल दिया, राइस के ऊपर हरी मिर्च और ये कटा हुआ लीमू ऐड कर दिया है और लीमू के साथ आप पुदीना वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो अभी मैंने शामिल नहीं किया लेकिन आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो जर्दा कलर है ये तो भाई मैं खुश्की डालती होती हूँ, क्योंकि जब भी मैंने जो लिक्विड फॉर्म में ऐड किया तो वो मुझसे ख़राब ही हुआ है, वो बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है, तो इस वजह से इस तरह डालने में ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और बहुत मज़े का कलर अमेजिंग सा आ रहा होता है। ये आप कमेंट में मैं आप लोगों को शो भी कराऊंगी। ये तय लगा के आप लोगों ने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद जब आपने इसको ओपन करना है और जी ये मैं करने लगी हूँ मिक्स। तो अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये जो मैंने कलर डाला था उसकी क्या वजह थी। देखेंगे कहीं कहीं पे ज़्यादा से ऑरेंज ऑरेंज से राइस नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अब मैं आपको सिर्फ बात बताती हूँ कि 1 घंटे में खाना कैसे तैयार हो गया। ये साथ साथ बिरयानी तैयार हो रही थी और साथ साथ कोफ्तों का मसाला तैयार हो रहा था, क्योंकि कोफ्ते मैंने पहले से बना के फ्रीज किए हुए थे और जस्ट मसाला बना के उसके अंदर मैंने ऐड करने थे। और चपली के बाद तो मैं फ्राई करके रख लेती हूँ, उन्हें जस्ट जो है वो मैंने गर्म करना था। ये जी हमारे कोफ्ते रेडी हो रहे हैं साथ साथ, और कोफ्तों का मसाला बस मुझे तैयार करना होता है। जब कोई मेहमान आता है तो आप लोग इस तरह अपने फ्रीजर में कुछ चीज़ें स्टोर करके रखा करें ताकि इमरजेंसी के तौर पर आप लोग यूज़ कर सकें। अच्छा, कोफ्तों की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने एक शॉर्ट में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से वॉच कर लीजिएगा, मैं नीचे पिन कर दूँगी आप लोगों को। और बहुत ही मज़ेदार फ्रोजन कोफ्ते मैंने आप लोगों को बनाने सिखाए थे और ये अब उनका मसाला यानी कि ग्रेवी बना के मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। ये सिंपल मैंने ट्री को डेकोरेट कर लिया है अपने चपले कबाब को जो है वो गार्निशिंग के लिए। अब चपले कबाब को सिंपल मैंने तवे पर गर्म कर लिया, ये तवे पर गर्म करने की वजह से थोड़े से टूट भी रहे हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये है कि अगर आप लोग ओवन में गर्म करें तो फिर टूटेंगे नहीं क्योंकि मेरे पास लाइट चली गई थी एंड टाइम पर। और जी ये बहुत ही मज़ेदार हमने बिरयानी जो है उसे डिश आउट कर लेना है। अब ये तीनों चीज़ें डिश आउट हो जाएंगी। उसके बाद मैंने मीठा भी बनाया था जो कि बहुत अर्जेंट बनाया था, कस्टर्ड बनाया था, क्योंकि सबसे अर्जेंट वही बनता है कि आधे घंटे में आप उसे बना के उसे ठंडा करने के लिए रख दें जब तक मेहमान जो है वो खाना अपना ख़त्म कर लें और जब तक वो जो है ऊपर फ्रीजर वाले खाने में ठंडा हो जाता है और आप ईजिली जो है वो सर्व कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे एंड पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारे पास होता है रायता और सैलड, वो तो भाई 5 मिनट की गेम होती है। जस्ट आपने जो है वो सैलड मशीन के साथ आपने अपना सैलड कट कर लेना होता है और रायते के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप काले मिर्च वाला रायता तैयार कर लें जिसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद जी मैंने ये सारी चीज़ें मेहमानों के आगे रखी और उन लोगों ने ट्राई किया और इतने अच्छे रिमार्क्स दिए मुझे कि मेरा दिल खुश हो गया। उसकी वजह ये थी कि बहुत कम टाइम में उन्होंने हमें बताया था कि वो लोग आ रहे हैं, लेकिन ये था कि
जब वो लोग आए तो इतनी सारी डिशेज देख के वो खुश हो गए। मैं हमेशा खाने की इस तरह की चीज़ों को थोड़ा फ्रीज करके रखती हूँ ताकि इमरजेंसी में अगर कोई गेस्ट आए तो आपको बाहर से ना चीज़ें लानी पड़े। नहीं तो ज़्यादातर लोग चपले कबाब और इस तरह की चीज़ें बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ऑफकोर्स आप बाहर से ऑर्डर करें, लेकिन यह है कि मेहमान जब आपके घर आ रहे होते हैं तो ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आप घर की चीज़ें उनके सामने रखें, तो वो उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग इसी के साथ अख्तिताम को पहुँचा।